तेजी से बढ़ रहा है न्यूज एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार, लिहाजा इस फील्ड में बढ़ रही है ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड। नौकरी 24 के इस स्पेशल सेगमेंट में इस बार हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज की। क्रिएटिविटी माल, फिट का धमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐसा ही एडिटिंग। न्यूज चैनल्स हो या फिर प्रोडक्शन हाउस, टीवी सीरियल्स हो या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में, हर जगह है विजुअल मिक्सिंग का खेल। और इस खेल के माहिर खिलाड़ी होते हैं वीडियो एडिटर्स। वीडियो एडिटर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है टेलीविजन की लाइन के अंदर। आमतौर पर टेलीविजन के जो प्रोग्राम है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दौर में गुजरते हैं। प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में जहां सारा काम डायरेक्टर और कैमरामैन मिलकर करते हैं, वहीं पे पोस्ट प्रोडक्शन में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो वीडियो एडिटर होता है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जरूरत है इमेजिनेशन, क्रिएशन और पैशन की। जरूरत ऐसे लोगों की जिन्हें साउंड और इफेक्ट से खेलने में आता हो मजा। अगर किसी भी को देखकर आपका दिमाग दौड़ने लगता है, नए नए आइडियाज आपके मन में कूदने लगते हैं, आपको लगता है कि आप किसी विजुअल को अलग अंदाज में दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं, तो वीडियो एडिटिंग की दुनिया कर रही है आपका स्वागत। अगर आप वीडियो एडिटर बनने का मन बना चुके हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इस फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आप अपने क्रिएशन और अपनी स्किल को एक नया आयाम दे सकते हैं और कैसे आप बन सकते हैं एक माहिर एक्सपर्ट वीडियो एडिटर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है। कैमरे से शूट किए गए वीडियो को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एडिट करके उसे एक कॉम्पैक्ट रूप में पेश करना ही वीडियो एडिटिंग है। दरअसल जब भी किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग होती है तो उसमें कई रीटेक होते हैं। शूट बाद प्रोग्राम या फिल्म की मांग और विजुअल्स को एडिट करके एक सीक्वेंस में टाइमलाइन रखा जाता है। टीम की डिमांड के मुताबिक विजुअल्स के साथ साउंड और म्यूजिक मिक्स किया जाता है। पहले ये काम लीनियर एडिटिंग के जरिए होता था, लेकिन इन दिनों सारा काम नॉन लीनियर एडिटिंग के माध्यम से हो रहा है। नॉन लीनियर एडिटिंग में कंप्यूटर पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो एडिटिंग की जाती है। नॉन लीनियर एडिटिंग एक एडिटिंग की नई विधा है जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग एडिटिंग करते हैं। इससे पहले लीनियर एडिटिंग हुआ करती थी जिसमें टेप की मदद से हम लोग पहले शूटिंग करके लाते थे, उसको फिर हम कैप्चर करते थे, उसके बाद शूटिंग होती थी। इन समय जनरेशन डाउन होती थी, जो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी थी वो काफी हद तक डाउन हो जाती थी। नॉन लीनियर एडिटिंग के अंदर हम जैसा शूट करके लाते हैं उसको वैसा का वैसा कैप्चर कर लिया जाता है कंप्यूटर की मदद से, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो बिना किसी लॉस के मिलेगा। दरअसल जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ ही बदल रहा है टीवी और फिल्म प्रोडक्शन का ट्रेंड। पहले जहां फिल्म और टीवी सीरियल को पेश करने का अंदाज काफी सादगी भरा था, वहीं अब फास्ट एडिटिंग और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट के साथ ही लाउड साउंड का कंसेप्ट चल पड़ा है। लिहाजा इस फील्ड को जरूरत है ऐसे क्रिएटिव एडिटर्स की जिनके पास हो एक डिफरेंट सोच। अगर वीडियो एडिटर क्रिएटिव है तो वो एक बहुत ही अच्छी रचना को जन्म दे सकता है। तो जो पहली शर्त है वीडियो एडिटर की वो यही है कि एक तो अपने काम में माहिर हो और दूसरा हर विजुअल को देखने के साथ ही उसके मन में ये एहसास उठना चाहिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से इस विजुअल का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। वीडियो एडिटिंग फील्ड में दो तरह से आपकी एंट्री हो सकती है, पहला ऑनलाइन एडिटिंग और दूसरा ऑफलाइन एडिटिंग।
ऑफलाइन एडिटिंग फिटिंग होती है, विजुअल्स को शूट किया जाता है और फिर उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए एक स्टोरी बोर्ड पर लेकर एडिट किया जाता है, जबकि ऑनलाइन एडिटिंग लाइव एडिटिंग होती है। इसका इस्तेमाल न्यूज चैनल्स के लाइव प्रसारण, स्पोर्ट्स के लाइव टेलीकास्ट, रियलिटी शो के प्रसारण में किया जाता है। ऑनलाइन एडिटिंग में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनको हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इसके अलावा क्रिएटिविटी के साथ साथ उनके भीतर फौरन डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एडिटिंग में रिटेक का मौका नहीं मिलता। ऑनलाइन एडिटिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक साथ 6 से 7 कैमरे लगे होते हैं जो कि डिफरेंट एंगल पर लगे होते हैं और उन सबको एक साथ रिकॉर्ड करके एक साथ उसकी एडिटिंग की जाती है। ऐसे में एक ऑनलाइन एडिटर के सामने 5-7 कैमरे होते हैं, उसका आउटपुट होता है और वो एक साथ सबको देखता है। ऐसे में बहुत ही निपुण और बहुत ही सतर्क होना चाहिए एक वीडियो एडिटर जो कि एक साथ देख सके कि मुझे कौन सा विजुअल किस कैमरे का लेना है। अगर आप वीडियो एडिटर बनकर दौलत और शोहरत कमाना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की जरूरत है। कई सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो न्यूज 24 के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम से वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आइजोम्स के पास 2 टेलीविजन चैनल अपने हैं, एक न्यूज 24 और दूसरा एंटरटेनमेंट 24। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आइजम्स के पास है, तो हमारे यहाँ जो भी वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आता है उसको न केवल थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है हमारे योग्य फैकल्टीज के द्वारा, बल्कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन दोनों चैनल्स में भी भेजा जाता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थ्योरी के सेशन के बाद एक व्यक्ति इतना ज्यादा निपुण हो जाता है कि उसको मार्केट में कहीं भी काम की दिक्कत नहीं आती है। आइजोम से वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने के कई फायदे हैं। कोर्स करने के बहुत ही फायदे हैं। आइजोम्स के पास 2 चैनल हैं, न्यूज 24 और E24, और यहाँ पर जो भी आता है स्टूडेंट सबसे पहले उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल के लिए उसको चैनल्स में भेजा जाता है। और चैनल के अंदर जो जिनके साथ रहकर वो पढ़ाई करता है, जिनके साथ रहकर वो अपनी इंटर्नशिप करता है, वो सब मंझे हुए लोग होते हैं। बड़े पत्रकारों के साथ, बड़े एंकर्स के साथ उसको काम करने का मौका मिलता है, योग्य प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का उसका मौका मिलता है, तो एक बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है। दूसरे आगे बढ़ने के भी मौके मिलते हैं और हमारी ये पॉलिसी भी है कि जो भी छात्र अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनको हम अपने यहाँ पे जॉब ऑफर भी करते हैं। और आइजम्स के साथ एक सबसे बड़ी बात ये भी जुड़ी हुई है कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट अभी तक पास आउट करके गए हैं 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है हमारे पास, यानी कि मार्केट में सभी को काम मिल जाता है। वीडियो एडिटिंग से जुड़े कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखने वालों को ट्रेनिंग लेने में आसानी होती है। आइजम्स के अंदर एडिटिंग के कोर्स के लिए जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 12वीं पास आपका होना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमारी 12वीं पास है। और 6 महीने का ये कोर्स है और 6 महीने के इस कोर्स में आप पूरी तरीके से परफेक्ट एडिटर बनकर ही बाहर निकलते हैं। ऐसा आइजम्स का भी दावा है और ऐसा होता भी रहा है। कोर्स और ट्रेनिंग के बाद न्यूज चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म कंपनियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में और म्यूजिक एल्बम का नया बाजार तेजी से उभर रहा है और इसमें भी अपार संभावनाएं हैं। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है उन सबको मार्केट में काम मिल गया है। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है आइजम्स के स्टूडेंट्स का हमारे पास, यानी कि जो भी यहाँ पे पढ़ने आता है उसको कहीं ना कहीं मार्केट में काम मिल ही जाता है। इसके अलावा हमारी ये पॉलिसी भी है कि जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको अपने यहाँ अपने न्यूज चैनल्स में, एंटरटेनमेंट E24 चैनल में भी काम करने का मौका देते हैं। तो काम सीखना पहली बात है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम सीख जाएंगे तो नौकरी के लिए आप एकदम बेफिक्र रहें, ऐसा हमारा दावा है। अगर आप आइजोम से वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। नंबर है
9958277022 01203911562 01203911572 01203911435 तो अगर आप हैं क्रिएटिव, विजुअल और साउंड से खेलने में आपको आता है मजा, तो समझिए आपकी नौकरी की टेंशन खत्म। बस न्यूज 24 के इंस्टीट्यूट आइसोम से करिए एडिटिंग का कोर्स और बन जाइए वीडियो एडिटर। तबिशी चोपड़ा के साथ अनीता चौधरी, नोएडा, न्यूज 24।